हाय गाइस, आई एम डॉक्टर दिवाकर राय, बीएमएस एसएमआईएस गांधीनगर। आज हम लोग पढ़ेंगे स्केपुला को, ठीक है। ये एग्ज़ाम में भी इम्पोर्टेंट है और कहाँ पे इम्पोर्टेंट है, भाईवा में भी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। स्केपुला में आपको याद कैसे क्या क्या रखने हैं, ठीक है। तो स्केपुला को अच्छे से क्या क्या याद रखने हैं, तो देखिए उंगली पे गिन के याद कर लोगे और अभी ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरी तरह से स्केपुला आपके दिमाग में घूमने लगना चाहिए, ठीक है। पहला, तीन एंगल तीन बॉर्डर, देखो तीन एंगल तीन बॉर्डर तीन प्रोसेस और दो सरफेस, ठीक है। अब देखो तीन एंगल कहाँ कहाँ है, उससे पहले तीन बॉर्डर गिन लेते हैं। तीन बॉर्डर, एक क्या हो गया लेटरल बॉर्डर, ये क्या हो गया मीडियल बॉर्डर और ये क्या हो गया सुपीरियर बॉर्डर, ठीक है। तो पहचानोगे कैसे, तो लेटरल बॉर्डर क्या होगा ठीक होगा, क्या होगा ठीक होगा और किससे जुड़ा होगा ग्लेनोइड कैविटी से। अब ग्लेनोइड कैविटी क्या होता है भाई, तो गड्ढा जैसा स्ट्रक्चर जहाँ दिखेगा ना उसको ग्लेनोइड कैविटी, वहाँ जाकर के ह्यूमरस एटेस्ट होता है, ठीक है। तो ये ग्लेनोइड कैविटी हो गया, ठीक है, एकदम देहाती भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है। ये मीडियल बॉर्डर हो गया, लेटरल बॉर्डर थीक होगा, मीडियल बॉर्डर थीन होगा और ये सुपीरियर बॉर्डर जो ऊपर साइड होगा ना सुपीरियर बॉर्डर हो जाएगा, ठीक है। और ये तो तीनों बॉर्डर हो गया, ठीक है। और एंगल की बात करते हैं तो मीडियल बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर के बीच में जो एंगल प्रेजेंट होगा ना ये एंगल, इसको सुपीरियर एंगल बोलते हैं। अब देखो मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में जो एंगल होता है इसको इन्फीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है। और लेटरल बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर के बीच में एंगल होता है इसको लेटरल एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं लेटरल एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया एंगल और बॉर्डर। अब तीसरा पढ़ेंगे प्रोसेस, तो तीन प्रोसेस होता है। पहला क्या, एक्रोमियन प्रोसेस। तो एक्रोमियन प्रोसेस ये जो होगा ना टीप पे एक्रोमियन प्रोसेस, जो स्पाइन्स ऑफ स्केपुला जिसमें कंटिन्यू होता है ना उसको एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। स्पाइन ऑफ स्केपुला कंटिन्यू होकर के क्या बनाता है स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है। स्पाइनस प्रोसेस और स्पाइनस प्रोसेस कंटिन्यू होता है तो एक्रोमियन प्रोसेस होता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। अब देखो नेक्स्ट, ये ग्लेनोइड कैविटी के जस्ट ऊपर जो प्रेजेंट रहेगा ना उसको क्रैकोइड प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है, क्लियर, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका प्रोसेस। सरफेस, दो सरफेस होता है, एक कोस्टल सरफेस होता है और एक डोर्सल सरफेस होता है। तो भैया डोर्सल सरफेस को पहचानने का तरीका क्या है, उसके पास प्रेजेंट होगा क्या स्पाइन ऑफ स्केपुला, ठीक है, ये हो गया। अब साइड डिटर्मिनेशन की बात करें तो पहले हम बुक की बात करेंगे फिर अपना थिंकिंग की बात करेंगे, मतलब क्या था कि जो विचार वाला, ठीक है। तो पहले बुक वाली बात करेंगे कि ग्लेनोइड कैविटी और लेटरल एंगल प्रेजेंट होगा लेटरली साइड, पहला बात। दूसरी बात, इन्फेरियर एंगल नीचे होगा बिलो, इन्फेरियर एंगल बिलो एंड सुपेरियर एंगल एबव, जैसे देखो सुपेरियर एंगल उभव है इन्फेरियर एंगल बिलो है। तीसरा बात, जो क्या था कोस्टल सरफेस इंटेरियरली और डोर्सल सरफेस पोस्टेरियरली, यही तीन बात जो बुक में लिखा है जो एग्जाम में लिखना है। अब ठेठ भाषा में मैं समझा दूं, जो ग्लेनोइड कैविटी जो गड्ढा लाइक स्ट्रक्चर्स होगा ना उसी में जाकर के ह्यूमरस एटेस्ट होता है, तो वो लेटरल साइड में होना चाहिए और इन्फेरियर जो बंदूक की तरह दिखेगा ना उसको नीचे रखना है और जो गड्ढा दिखे ना गड्ढा वो गड्ढा को क्या करना है आगे की तरफ रखना है, ठीक है। और वो रख करके जो साइड दिखे ना वो साइड उसका होगा बोन का स्केपुला का साइड, ठीक है। अब इसको अप्लाई कर लेना बोन सेट पकड़ के और नहीं समझ में आया तो मैं कमेंट बॉक्स में बताना, मैं और बोन सेट पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं सरफेस भी क्लियर हो गया, पर सरफेस कैसा दिखेगा समझ लो, ऐसा दिखेगा ऐसा और डोर्सल सरफेस ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इतने को होने के बाद ग्लेनोइड कैविटी के जो नीचे का जो स्ट्रक्चर था जो बिलो स्ट्रक्चर जो ग्लेनोइड कैविटी का होता है ना, फिगर को थोड़ा जूम करते हैं ताकि अच्छा दिखे वीडियो में, ठीक है। तो देखिए ये जो नीचे जो है ना ये इस तरह का ये जो दिख रहा है गड्ढा इसको इन्फ्रा ग्लेनोइड ट्यूबरकल बोलते हैं। इसकी ग्लेनोइड कैविटी समझ में आए, देखो गड्ढा दिख रहा है और इसके ऊपर देखो तो सुपरा ग्लेनोइड कैविटी बोलते हैं और देखो ग्लेनोइड कैविटी के जस्ट ऊपर जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं क्रैकोइड प्रोसेस बोलते हैं। इस साल भी एग्जाम में पूछा गया है गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के, हर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों का याद रखना है, ग्लेनोइड कैविटी, ठीक है, ये हो गया इन्फ्रा ग्लेनोइड ट्यूबरकल, सुपरा ग्लेनोइड ट्यूबरकल हम लोग समझ चुके हैं, फिगर में भी देख लिया। अब बात करते हैं मसल अटैचमेंट की, ठीक है। तो या तो मसल अटैचमेंट आप इस फिगर से समझो, तो इस फिगर में सारे मसल अटैचमेंट को दिए नहीं गए हैं, ठीक है, दिए गए तो मार्किंग अच्छे से नहीं किया गया, ठीक। तो देखो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई, जो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई जो जाके कहाँ जुड़ेगा, तो लॉन्ग हेड ऑफ जो बाइसेप्स ब्रेकियाई होगा वो सुपरा ग्लेनोइड ट्यूबरकल से, देखिए ये सुपरा ग्लेनोइड ट्यूबरकल से जाके जुड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद बच जाता है क्या, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई और क्रैको ब्रेकियालिस प्रोसेस, किससे, तो इसको नाम याद आ रहा है, क्या नाम था, कि रिक्वायर्ड प्रोसेस से जाके जुड़ेगा, ठीक है। बाय द वे एग्जाम में भूल गए तो क्रैको ब्रेकियालिस और रिक्वायर्ड प्रोसेस दोनों सेम है, उसी तरह का है नाम, तो याद हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद बात करेंगे क्या स्केपुला के, स्केपुला का इंफ्राग्लेनॉइड ट्यूबरकल का तो लॉन्ग हेड है, बाइसेप्स ब्रैकिया कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्वाड्रेंगुलर स्पेस जो है ना, क्वाड्रेंगुलर स्पेस हो गया, ठीक है, और ट्रायंगुलर इंटरवल हो गया, ट्रायंगुलर इंटरवल हो गया, क्वाड्रेंगुलर स्पेस हो गया। तो क्वाड्रेंगुलर स्पेस से कौन कौन सी पास करेगा ये देखना है। तो क्वाड्रेंगुलर स्पेस से कौन कौन पास होगा, देखिए एक्जिलरी नर्व होगा, पोस्टेरियर सर्कमफ्लेक्स, हिमोरल आर्टरी और वेन होगा, ठीक है। और ट्रायंगुलर इंटरवल से क्या होगा, रेडियल नर्व और प्रोफंडा ब्रैकियल आर्टरी। अब देखो लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैकिया जाके वहीं जुड़ रहा है जो हमने अभी याद किया, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या, देखो एक कोई एक सरफेस उठा लेते हैं, ठीक है, इस सरफेस को समझते हैं, पोस्टेरियर सरफेस ऑफ स्केपुला, जो बातें इस फिगर में दिया हुआ सब हमने आपको बता दिया। देखिए ये इसको क्या बोलते हैं, देखिए सो ये स्पाइन ऑफ स्केपुला क्या करता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, किस सरफेस को, तो ये जो सरफेस होता है डोर्सल सरफेस को, ठीक है। अपर वाला पार्ट को बोलते हैं क्या, सुप्रा स्पाइनेटस प्रोसेस फोसा, और लोअर वाला को इन्फ्रा स्पाइनेटस फोसा बोलते हैं, और इसको बोलते हैं क्या, सब स्केपुलर नोच, ठीक है, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं क्या कोस्टल सरफेस, जो सुपर जो सरफेस होता है ना इसका, तो कोस्टल सरफेस को देखिए, तो कोस्टल सरफेस क्या होता है, ये गड्ढा जैसा दिखेगा, तो ये सब स्केपुलर फोसा हो गया। लेटरल बॉर्डर तो पता सब पहले से बता चुका हूँ, ये क्या ट्यूबरकल हो गया, ग्लेनॉइड कैविटी हो गया, ये इसको क्या बोलते हैं, क्रेकॉइड प्रोसेस हो गया, ये क्रोमियन प्रोसेस हो गया, यहीं पर आर्टिकुलेट करता है क्या सरफेस ऑफ क्लेविकल, ठीक है, सुपीरियर सब बता चुका हूँ। अब बात करते हैं क्या मसल अटैचमेंट को एक बार देख लेंगे, ठीक है। सुपीरियर बॉर्डर क्या था, क्रेकॉइड प्रोसेस, सब स्केपुलर नोच, ये सब की बात कर रहा है सुपीरियर बॉर्डर में। तो सुपीरियर बॉर्डर में कौन कौन हो गया, क्रेकॉइड प्रोसेस, ठीक है, क्रेकॉइड प्रोसेस, सब स्केपुलर नोच हो गया, ठीक है। अब नर्व पहले से पढ़ने, बोन का अटैचमेंट, मसल का अटैचमेंट देख लेते, ठीक है, अच्छे से पिछले फिगर से पहले शुरू करते, ठीक है। तो अच्छे समझ क्या है कि इसमें तो अच्छे से मार्किंग नहीं किया हुआ है ना, तो थोड़ा सा बोन आपको मिलेगा ना समझाने के लिए, ये थोड़ी मिलेगा, ऐसा थोड़ी बना हुआ मिलेगा, बोन मिलेगा और उसमें आपको एक्सप्लेन करना है। तो बोन पे बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ अटैचमेंट होता है, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले याद करना है क्या, देखिए ये जो सबसे ऊपर ये जो है ये, अरे यार स्लाइड का लोचा हो जाता है, ये जो दिख रहा है ना आपको ये वाला ये तो यहाँ पे आके कौन जुड़ता है, डेल्टोइड मसल जुड़ता है, कौन जुड़ता है, डेल्टोइड मसल का ओरिजिन होता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो कि एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट का मार्किंग किया हुआ है, ठीक है। अब इसको तो याद ही है, क्रेकॉइड प्रोसेस, क्रेकॉइड प्रोसेस के बाद कौन जाके जुड़ता था, ओरिजिन होता था किसका किसका, तो क्रोको ब्रैकियालिस मसल का और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकियाई का, ठीक है, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं ये जो है ना, इसमें इससे जो मसल जुड़ेगा उस मसल का नाम है सब स्केपुलरिस मसल, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, सब स्केपुलरिस मसल 4 to 8 digits नीचे हो गया, यहाँ पे सेरेटस एंटेरियर मसल जुड़ेगा, कौन जुड़ेगा, सेरेटस एंटेरियर मसल, ठीक है, और ये फर्स्ट डिजिटेशन हो गया, क्लियर। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि इसमें डोर्सल सरफेस में, थोड़ा सा डोर्सल सरफेस में ज़्यादा अटैचमेंट होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फ्रीली साइड ज़्यादा है, ठीक है। तो डोर्सल सरफेस को अटैचमेंट इसमें समझ लेते, ये वाले फिगर में बहुत अच्छा समझ में आएगा ना भैया। अब देखो इसको समझते, ये जो ये देखिए यहाँ ये जो नीचे यहाँ पे है, यहाँ पे लेटिसमस डोर्साई मसल आके जुड़ेगा, कौन जुड़ेगा, लेटिसमस डोर्साई मसल, इससे जस्ट यहाँ से ऐसा जगह ऐसा यहाँ पे आके जुड़ेगा टेरस मेजर मसल, यहाँ पे इन्फ्रा स्पाइनेटस फोसा में आके जुड़ेगा इन्फ्रा स्पाइनेटस मसल, ठीक है। इस साइड को देखो तो इस साइड पे आके जुड़ेगा आपका रम्बोइडस मेजर, ठीक है, रम्बोइडस मेजर, ठीक है, और ऐसे करके जुड़ेगा क्या, सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी, टू स्लिप ऑफ टेरस माइनर का जो टू स्लिप होगा वो जुड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो पता है कौन जुड़ा था, याद आ रहा है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैकियाई, ठीक है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैकियाई, और ये जो स्केपुलर प्रोसेस यहाँ पे आके जस्ट जुड़ेगा अपना कौन, अपना जुड़ेगा रम्बोइडस माइनर, और यहाँ पे जुड़ेगा जैसे स्पाइनस प्रोसेस है ना, वहाँ जाके जुड़ेगा ट्रेपेजियस मसल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, लिवेटर सरफेस जुड़ता है, ठीक है, और ये जो ऊपर वाला जो गड्ढा है वहाँ पे सुपरा स्पाइनेटस मसल जुड़ता है, जैसे यहाँ नीचे का इंफ्रा स्पाइनेटस मसल जुड़ा था वैसे ही ऊपर में सुपरा स्पाइनेटस मसल जुड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए अब ब्लड सप्लाई देख लेते हैं, ब्लड सप्लाई करेगा कौन कौन से देखिए, तो ब्लड सप्लाई करेगा कौन, सुपरा स्केपुलर नर्व के देखिए, सुपरा स्केपुलर नर्व दिखेगा, सुपीरियर ट्रांसवर्स स्केपुलर नर्व आपको दिखेगा, जो नर्व दिखेगा, ब्लड सप्लाई, बोन को ब्लड सप्लाई की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फिगर में देखिए, सब स्केपुलर आर्टरी जब डाइसेक्शन आप करोगे तो ऐसा फिगर मिलेगा, तो पहचानने में आसानी होगी, सब स्केपुलर आर्टरी, सब स्केपुलर नर्व, सुपीरियर ट्रांसवर्स स्केपुलर नर्व, ठीक है, और फिर क्या होता है, टू स्किन और लेटरल पार्ट ऑफ डेल्टोइड, एक्जिलरी नर्व ऐसा आएगा, एक्जिलरी नर्व, ठीक है, एक्जिलरी नर्व, फिर ब्रांचिंग आगे पड़ेंगे, पोस्टेरियर सर्कमफ्लेक्स हिमोरल आर्टरी और प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्या
क्लेविकल है आगे, लेकिन इससे पहले हम लोग को दो चीज़ पढ़ना है, एक आपका क्लिनिकल एनाटॉमी और एक आपको पढ़ना होता है क्या ओसिफिकेशन। जो क्लिनिकल एनाटॉमी या ओसिफिकेशन आप नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बीएमएस के सिलेबस में नहीं आते, लेकिन क्या है कि एग्जाम में थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, कि आप लिखो। तो देखो जो बात कर क्लिनिकल, जैसे सेरेटस एंटेरियर मसल जो मैंने देखा था, सेरेटस एंटेरियर मसल में अगर पैरालिसिस हो गया तो क्या हो जाएगा, बिंगिंग अप हो जाएगा स्केपुला का, ठीक, जिसके वजह से कि हम हाथ को ना 90 डिग्री से ज़्यादा मोड़ नहीं पाएंगे। ये तो आपका ये हो गया। अब ओसिफिकेशन की बात कर तो स्केपुला का ओसिफिकेशन जो होता है ना 1 प्राइमरी सेंटर और 7 सेकेंडरी सेंटर से होता है, ठीक है। जो फर्स्ट जो होता है ना, फर्स्ट प्राइमरी सेंटर कहाँ पे होता है, ग्लेनॉइड कैविटी के पास होता है, कहाँ होता है, जो पुबर्टी टाइम में होता है, उसका फ्यूजन कब होता है 25 ईयर में, ठीक है। दूसरा अपीयरेंस कब होगा, तो दूसरा जो और ज़्यादा अलग अलग की बात करें तो जो मीडियल बॉर्डर, ठीक है, और इन्फेरियर एंगल के पास जो होगा, जो